पांचवा दिन, पांचवें दिन में अब हम टेंस में पहुंच चुके हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान काल कहते हैं हिंदी में। अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट टेंस की क्रिया को चार रूपों में बांटा गया है, जैसे राम स्टडीज, राम पढ़ता है, राम इज स्टडिंग, राम पढ़ रहा है, राम हैज स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है या राम पढ़ चुका है, राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा है। यहाँ पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान काल की तो है पर समय निश्चित नहीं है। राम स्टडीज, राम पढ़ता है परंतु यह पता नहीं कि कब से पढ़ता है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया चल रही है, राम इज स्टडिंग, यानी इस समय राम इस समय पढ़ रहा है। तीसरे भेद में है राम हैज स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है, अर्थात क्रिया पूरी हो चुकी है पर उसे अधिक समय नहीं बीता। और चौथे भेद में है राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही है। इन्हें क्रमशः प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। जो टेंस पढ़े होंगे जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है। हिंदी में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है, ठीक है, तो उसी संबंधित है। इसका जो सहायक क्रिया होता है डू डज होता है, ठीक है, डू डज से संबंधित कुछ सेंटेंस देखेंगे। यहाँ एक वार्तालाप है, मनीष कहता है किसी से, श्यामल से, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, डू यू स्टडी इंग्लिश, तो श्यामल जवाब देता है हाँ, यस आई डू। क्या लता तुम्हारे घर आती है, डज लता कम टू योर हाउस, हाँ वह कभी कभी आती है, यस सी कम्स समटाइम्स, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं, डू अदर फ्रेंड्स आल्सो कम टू यू, हाँ वे भी आते हैं, यस दे डू, क्या तुम मुंबई रहते हो, डू यू स्टे इन मुंबई। देखिए यहाँ पे बड़ा शहर है मुंबई, इसलिए इन लगा है, छोटे कस्बे गांव के नाम के आगे एट लगता है। नहीं मैं कोलकाता रहता हूँ, नो आई स्टे इन कोलकाता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, सहायक क्रिया जिसको बोलते हैं, डू डज होता है। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका जो सहायक क्रिया है इज, एम, आर होता है। आर बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, एम मैं के लिए, और इज सिंगुलर नंबर के लिए प्रयोग होता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित कुछ सेंटेंस देखेंगे। क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए, इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर, हाँ यही पुस्तक मुझे चाहिए, यस दिस इज इट। क्या रीटा फिल्म देख रही है, इज रीटा वॉचिंग अ मूवी, नहीं वह वीडियो गेम खेल रही है, नो सी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। एक बात बताना चाहूँगा, इसमें जो वर्ब होता है जैसे प्ले प्लेइंग हो जाता है, उसमें वर्ब के साथ ing जुड़ता है। ये सभी कंटिन्यूअस टेंस में जितने भी हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जितने भी आएंगे उसमें ing जुड़ता है कंटिन्यूअस टेंस में। क्या तुम अब बाजार नहीं जा रही हो, आर यू नॉट गोइंग टू द मार्केट नाउ, नहीं नो आई एम नॉट। क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं, इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस, नहीं मेरे पिताजी व्यापारी हैं, नो ही इज अ बिजनेसमैन। क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन, हाँ वह IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा है, यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है हैज हैव, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें जो सहायक क्रिया है ऑक्सिलरी वर्ब हमारा, या हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, वो हैज और हैव है, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो परफेक्ट से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं। क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है, Have you written any letter to Radha? हाँ yes I have. क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है, Has she replied to your letter?
नहीं, नो सी हैज़ नॉट, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, नो सी हैज़न्ट। क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू टेकन योर मील्स? नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता काफ़ी भारी किया था। नो आई हैड अ वेरी करेक्शन नो आई हैव अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। क्या तुम उसके घर गए थे? डिड यू गो टू हिज प्लेस? नहीं, अभी मुझको जाना है। नो आई हैव येट टू गो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है, और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है वर्ब में, और इसमें एक चीज़ जोड़ा जाता है, इसमें समय होता है, तो समय के लिए जो निश्चित काल होता है उसके साथ सिंस लगता है, और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए फॉर का यूज होता है। हम कुछ सेंटेंस देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। तुम सुबह से क्या कर रहे हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? सुबह से निश्चित समय है कि सुबह का समय से तुम क्या कर रहे हो, तो उसमें सिंस लगा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, यह किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है? हैज इट बीन रेनिंग हियर आल्सो सिंस यस्टरडे? देखिए, यहाँ भी निश्चित काल है कल, तो यस्टरडे के साथ सिंस लगा हुआ है। हाँ, हो तो रही है पर रुक रुक कर। यस इट हैज बीन बट नॉट कंटिन्यूसली। क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है? हैज़ द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग? अब देखिए, यहाँ फॉर का उपयोग किया गया है, तो फॉर अनिश्चित काल के लिए यूज किया जाता है। पानी काफ़ी देर से, तो देर तो दिखा रहा है कि समय, एक समय पता चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि कितने समय से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 बजे से, 5 बजे से, तो यहाँ पे फॉर का यूज किया गया है। नहीं, अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। नो इट हैज़ बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। यहाँ भी फॉर का यूज किया गया है, क्योंकि समय का थोड़ी देर दिया गया है कि थोड़ी देर, लिटिल टाइम से, तो लिटिल टाइम कब से ये नहीं पता है, ठीक है, तो यहाँ भी फॉर का इस्तेमाल किया गया है। हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। देखिए, यहाँ भी फॉर का इस्तेमाल हुआ है कि हम 10 साल से तो रह रहे हैं, लेकिन कौन से सन से रह रहे हैं ये क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया गया है। वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। ध्यान में रखें कि जैसे इन वाक्यों को देखिए, जो दो वाक्य नीचे दिए हुए हैं, यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र लिख रहे हो, यू हैव रिटन अ लेटर, तुम पत्र लिख चुके हो, ये दोनों सकारात्मक, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। इनको निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्यों में कैसे बदला जाएगा, वो इस प्रकार है। नकारात्मक के लिए देखिए, पहले था यू आर राइटिंग अ लेटर, इसमें क्या है, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, नॉट जोड़ देना है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे ये पहले सेंटेंस था यू हैव रिटन अ लेटर, अब क्या है, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। अब इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए देखिए कि आर यू राइटिंग अ लेटर, मतलब कि क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो, ठीक है, तो जब क्या पहले होगा, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है क्या, जब वो पहले आता है तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले आ जाता है, और कर्ता जो यू है वो चला जाता है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। आर यू राइटिंग अ लेटर, ठीक उसी प्रकार से क्या तुम पत्र लिख चुके हो, हैव यू रिटन अ लेटर। अब यहाँ देखिए कि इसमें पहले ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। अगर इसी जगह पे कोई सेंटेंस होता कि तुम क्यों रो रहे हो, इसमें क्यों कहा आ रहा है, बीच में तुम के बाद कर्ता के बाद आ रहा है, तुम क्यों रो रहे हो, तो इसमें क्या होता है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब न आके पहले क्वेश्चन वर्ड आता, क्यों, वाई पहले आता, तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू वीपिंग, वाई के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता, क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर कर्ता आता, फिर उसके बाद क्रिया। आगे देखते हैं, आपने देखा कि सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया आर हैव के साथ
के बाद नॉट जोड़ना पड़ता है। इसी तरह प्रश्नात्मक वाक्यों में सहायक क्रियाएं आर हैव आर या हैव वाक्य के शुरू में आ गई हैं। इससे हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सकारात्मक से नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्य आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के उदाहरण लीजिए। यू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो। आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। अब इनके नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्य देखिए। नकारात्मक वाक्य इस प्रकार से होंगे, यू डोंट राइट अ लेटर या यू डू नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट रीड इंग्लिश। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द में करेक्शन, जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उसमें डू यू राइट अ लेटर, डू आई रीड इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से बनेंगे। इस टेंस में डू या डज जोड़ा जाता है, सभी नकारात्मक या प्रश्नात्मक वाक्य बना है। डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ और डज का प्रयोग एकवचनकर्ता के साथ होता है, पर आई तथा यू दोनों के साथ डू का ही प्रयोग होता है, डज का कभी भी नहीं। तो यहाँ तक प्रेजेंट टेंस का जो कॉन्सेप्ट था क्लियर कर चुका है पाँचवें दिन में। लेकिन जो टेंस पहले से पढ़ा है उसके लिए ये है, जिसको टेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, जो टेंस को नहीं जानता है, टेंस को डीपली नहीं पढ़ा है, तो उसको पाँचवें दिन में आने से पहले टेंस को अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। धन्यवाद।